दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हो, थंबनेल में मैंने क्लियर कट मेंशन किया है, ये गलतियां करनी बिल्कुल बंद कर दो, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आप पे 420 का केस भी लग सकता है, क्योंकि NPCI, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, NPCI ये एक कॉरपोरेशन है जो कि जितनी भी आधार कार्ड से आप पेमेंट करते हो या किसी भी वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट करते हो या कोई भी साइट के थ्रू पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो, तो सबको यही चीज हैंडल करती है। और इन्होंने नए सर्कुलर में कह दिया है, अगर आप भी CSC या कोई और प्राइवेट कंपनी भी यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मोबी सफर, पे वर्ल्ड, पे नियर बाय, पे पॉइंट इंडिया, कोई भी कंपनी यूज कर रहे हो, तो भाई सुन लो ये बात, ध्यान से समझ भी लो, कि अगर आप कस्टमर से पैसा निकालने का चार्ज करते हो तो आप पर भी हो सकता है 420 का केस। ये नया सर्कुलर आ चुका है NPCI की तरफ से, उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि आप अपने ग्राहक से 1 रुपया भी नहीं ले सकते। कई दुकानदार सोचते हैं कि यार 10 रुपये बैलेंस चेक करने का ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो मैं उनको क्लियर कर दूं ये बात, भाई कुछ नहीं ले सकते। अगर आप लेते हुए पाए जाते हो तो आपका सेंटर बंद हो सकता है, आप एक केस बन सकता है, आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, तो ये चीज बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए एक्चुअल में जो सर्कुलर आया उसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट मेंशन किए हैं, तो इस वीडियो में यही सारी बात करूंगा मैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो ना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीनू, आप देख रहे हो चैनल सेव मनी वर्ल्ड। जैसे कि मैंने पहले थोड़ा बताया इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगा, तो मैं बता दूं भाई जो सर्कुलर आया है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज कि आप किसी भी कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते, ये हर एक रूल्स के खिलाफ है। कंपनीज आपको कमीशन दे रही हैं, बेशक वो 10,000 पे 10 रुपये दे रही हैं, लेकिन आप कस्टमर से और चार्ज नहीं कर सकते हो, समझ लो इस बात को। देखिए सबसे पहली चीज तो, अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हो अपने कस्टमर्स का और आप उनसे चार्ज कर रहे हो, मे बी वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, तो आप वो भी नहीं कर सकते। बैलेंस चेक करने का भी आप पैसा नहीं ले सकते हो अपने कस्टमर से, क्योंकि सरकार आपको पैसा निकालने का कमीशन देती है, जिस और ये जो लाइसेंस आपको मिलता है ये इसी शर्त पे मिलता है कि आप कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लोगे। मैं मानता हूं कई दुकानदार लेते हैं, मैंने भी पहले लिया है, लेकिन अब मैं क्लियर कट बता रहा हूं, जो पैसा लेगा उसका सेंटर कभी भी बंद किया जा सकता है। सरकार अपन लोगों को ये स्कीम्स देती है, क्यों देती है, ताकि हम लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचा सके। सरकार हमें कमीशन भी देती है ताकि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, मे बी वो कमीशन कम है, लेकिन अगर आप कम कमीशन में भी काम करोगे तो यूजर बेस आपके पास बढ़ेगा। यूजर बेस से आप क्या कर सकते हो, बात कर रहा हूँ CSC की, CSC से आप क्या कर सकते हो, कोई भी यूजर आपके यहाँ पैसा निकालने आता है तो आप उसको नया अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हो, पैन कार्ड के लिए बात कर सकते हो, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, उसका बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस कर सकते हो, यहाँ से आप उनसे कमाई कर सकते हो। आप उनसे चार्ज लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो भाई कोई ना कोई कंप्लेंट कर सकता है या आपके सेंटर पर विजिट हो सकती है, तो आप फंस सकते हो इस चीज के अंदर। दूसरी जो बात, इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए इस चीज को भी, अगर आप पेटीएम वॉलेट को यूज करते हो, एक होता है एज ए बिजनेस यूज करना, जो कि BC एजेंट है पेटीएम के, वो पैसा डाल सकते हैं किसी भी वॉलेट में, पर कुछ दुकानदार क्या कर रहे हैं, वो खुद ही अपने कार्ड से पैसा लोड करते हैं और उसके बाद डाल देते हैं, तो भाई ये चीज बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस चीज पे भी उनकी नजर है। पिछले कुछ टाइम के अंदर जो उन्होंने, आप नेट पे भी सर्च करोगे, NPCI ने केस पकड़ा जिसके पास 3,000 सिम चल रहे थे, जिससे कि वो पेटीएम से पैसा रोटेट कर रहा, बिल भरने, वोडाफोन ऐप पैसा के लिए यूज कर रहा, तो ये चीजें बिल्कुल बंद कर दी। अगर नहीं की तो भाई इसमें भी आपको काफी बड़ी सजा हो सकती है, और बेइज्जती जो होगी वो अलग। जो तीसरी चीज है भाई वो समझो इस चीज को, अगर आप किसी से भी किसी का भी इंश्योरेंस कर रहे हो या कोई भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस चीज की रिसिप्ट बंदे को जरूर दो, किसी से भी एक्स्ट्रा चार्ज मत करो। अगर आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 1% चार्ज कर सकते हो, जो कि इंडियन गवर्नमेंट बोलती है, उस 1% में से आपको कमीशन मिलता है, लेकिन ये चीज समझ लो,
कई दुकानदार मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, 10,000 पे 250 रुपये चार्ज करते हैं, जबकि गवर्नमेंट बोलती है कि वो 100 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो ये दिमाग में डाल लीजिए चीज़, अगर ये भी आप करते पाए जाते तो आपका सेंटर बंद हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है एक गाँव में एक ही यूज़र को CSE सेंटर दिया जाता है, अगर आपका बंद हो गया तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है इन चीज़ों का, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज आएंगी वो सारी की सारी CSE पे ही अवेलेबल हो सकती हैं। तो इन सारी बातों को भाई ध्यान में रखो, उसके बाद आप कुछ भी करना चाहते हो तो करो, लेकिन क्या है कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल मत लो, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में एक्चुअल में क्या हुआ है, काफ़ी सारे यूजर्स ने एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया या कोई और कंपनीज होगी, हर गांव में 20-20 25-25 जो दुकानदार हैं उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है पैसा निकालने का। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कुछ दुकानदार सही काम करते हैं लेकिन कुछ एक दो होते हैं जो गलत काम करते हैं। मेरे पास भी एक केस आया था, मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, कोई एज थी उनकी 60 to 65 ईयर्स की एज थी, वो इंसान मेरे पास आया पैसा निकालने, तो उसने कहा कि मेरे अकाउंट से पैसा निकाल दो 1200 रुपये, जब मैंने अंगूठा लगाया पैसा था ही नहीं उसमें। एक्चुअल में हुआ क्या था, उसने किसी और दुकान वाले से पैसा निकाला, वहाँ पे उसने 1500 रुपये निकाले, दुकान वाले ने उससे 20 रुपये चार्ज किया था। हो सकता है कि जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी दुकानदार करते भी हैं, लेकिन उसने 1520 निकालने की जगह वहां से 1800 रुपये की ट्रांजेक्शन की है, मतलब एक ट्रांजेक्शन पे उसने 300 रुपये का घपला मारा है। तो दोस्तों इस चीज को समझो और अपने आसपास के लोगों को भी समझाओ कि अगर आप काम कर रहे हो तो ध्यान से करो, कोई भी गड़बड़ मत करो, कोई भी यूजर आपसे पैसे लेके जाता है उसका साइन करवा लो या स्टैम्प करा लो, नहीं तो वो 2 महीने बाद आके कहेगा यार मैंने तो पैसे ही नहीं निकाले, पर मेरे अकाउंट से पैसे गायब हो गए और मैं तेरे पास से ही पैसे निकालता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ लो। और अगर आप भी पेटीएम या किसी चीज़ के एक्स्ट्रा अकाउंट्स बना के रख रखे हैं आपने, या फर्जी अकाउंट बोलते हैं जिनको, वो बना रखे हैं, तो उन चीज़ों को यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो यार फंस जाओगे। ठीक है, ये सारी बातें भाई दिमाग में डाल लो, अगर नहीं यूज़ करोगे ना तो बहुत दिक्कत आ सकती है आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि NPCI बहुत सख्त हो चुकी है अपने इन चीज़ों के लिए और वो रेगुलर चेकिंग कर रही है। जब भी आप कोई AEPS ट्रांजेक्शन करते हो, आधार कार्ड से पैसा निकालते हो, वहाँ आपसे कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगा जाता है, कई दुकानदार वहाँ पर अपना नंबर डाल रहे हैं, वो चीज़ भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो और कस्टमर का नंबर वहाँ डालते हो, कंपनी वहां से सीधे कस्टमर को कॉल करके पूछ सकती है कि आपसे चार्ज लिया है या नहीं। ये चीज बिल्कुल बंद कर दो, या तो आप चार्ज लेना बंद कर दो या नंबर डालना बंद कर दो। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान में रखो और अपनी सेंटर को जो सर्विसेज मिल रही हैं उनके थ्रू चलाओ, जैसे कि लाभपात्री की सर्विस मिली है, जानता हूँ वहाँ 10 रुपये की कमाई है, लेकिन आप एक्स्ट्रा चार्ज लोगे तो आपका सेंटर बंद हो सकता है, आपके पास से ये सुविधा छिन सकती है। आप देखा होगा कि आप 5 लाख वाला जो कार्ड बना सकते हो अस्पताल का, वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, वो भी आपकी सर्विस छीनी जा सकती है, मतलब आपका पूरे पूरे सेंटर बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था कि NPCI ने नोटिफिकेशन भेज दिया, सर्कुलर भेज दिया कि आपके पास अगर आप कोई भी सेंटर चला रहे हो आपके पास एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप उस कस्टमर से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते पैसा निकालने का। तीसरी चीज, आप कोई भी एक्स्ट्रा वॉलेट यूज नहीं कर सकते, कोई इलीगल वॉलेट नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो अपने PCI ऐप से कर सकते हो। और भाई एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे दुकानदार पैसा बचाने के चक्कर में फोन पे या गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं मनी ट्रांसफर के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लो ये बात, अगर आप एज ए बिजनेस यूज करते हो गूगल पे फोन पे किसी भी चीज को, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अगर 1 लाख रुपए आप गूगल पे से भेजते हो फ्री जाते हैं, लेकिन वहीं आप ये मनी ट्रांसफर सॉफ्टवेयर से भेजते हो तो आपका चार्ज लगता है 1000 रुपये, 1% जो कि गवर्नमेंट चार्ज है, उसमें से आपको कमीशन मिलता है। तो ये चीज़ समझो दोस्तों, अगर आप गूगल पे या इनसे करोगे, सबसे पहली चीज़ जो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है इनकम टैक्स की, दूसरी चीज़ आप पे केस बन सकता है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं पेटीएम मोबिक्विक फ्रीचार्ज गूगल पे फोन पे SBI सारी की सारी सर्विसेज सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए बनी हैं, आप इनको बिजनेस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होगे। मैं जानता हूँ कि एक दिन में आप इस
इन सब चीजों में बदलाव नहीं कर सकते हो, पर धीरे धीरे बदलाव करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप बदलाव नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, आप पे केस चालू किया जा सकता है सरकारी ऑफिसर्स द्वारा, बिकॉज जो NPCI है उनके खास निर्देश आए हुए हैं कि आप ये सारी चीजें बंद कर दीजिए अगर कर रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ एट होम।